देश भर में आजादी का पर्व मनाया गया। ओपी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के सभी प्लांट्स में भी आजादी के इस महापर्व को धूमधाम से मनाया गया। कंपनी के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल ने भी कई प्लांट्स में पहुंचकर ध्वजारोहण किया। सत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासी नीले आसमान में लाखों करोड़ों तिरंगे शान से फहरा रहे हैं। आजादी के इस पर्व को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के तमाम संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीएसपीएल के मशीन टूल्स डिवीजन में संस्थान के प्रेसिडेंट उदय कृष्णन ने तिरंगा फहराया और जीएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिंदल का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। हम सब विकास की ओर फोकस करनी चाहिए। हमारा पूरा प्रयत्न इस देश के विकास की ओर बढ़नी चाहिए और इस देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में एक सफलता प्राप्त करनी चाहिए। आजाद भारत में पिछड़ों और गरीबों के चहमुखी विकास के लिए जीएसपीएल ने कठिन तपस्या की है। स्वर्गीय ओपी जिंदल ने गरीबों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के मकसद से ही जीएसपीएल की स्थापना की थी। मानवता के लिए की गई उनकी ये कोशिश हर साल आजादी के मौके पर नई नई उपलब्धियां हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जीएसपीएल प्लांट में आजादी के इस महापर्व में कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल भी शामिल हुए। उन्होंने पोलो ग्राउंड में 100 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया और सलामी दी। श्री नवीन जिंदल ने जीएसपीएल के कर्मचारियों से विपरीत हालातों में डटकर खड़े रहने और सतत संघर्ष करने की बात कही। यहाँ पर हम बनाते थे, पहले मुझे याद है जब पहली बार जब 1.5 मेगावाट बनी थी, जिस दिन बहुत खुशी हुई थी। आज जब 600 मेगावाट की यूनिट चलती है तब उतनी खुशी नहीं होती। जब वो हमारी 1 मेगावाट 15 मेगावाट की यूनिट ने जब 1 मेगावाट बनाया था पहले बार, तब जितनी खुशी हुई थी। तुमने बहुत तरक्की की, बहुत बढ़े हम। 1000 मेगावाट लगाया तमनार के अंदर और वो 1000 मेगावाट जो है भारत का सबसे सक्सेसफुल, सबसे कामयाब पावर प्लांट बना, जिसको देख करके कम से कम 50,000 मेगावाट जो है लोगों ने लगाई, उससे प्रेरणा लेकर के, कि जिंदल पावर से प्रेरणा लेकर के, आप लोगों के काम से प्रेरणा लेकर के। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए नवीन जिंदल खास तौर से उनके बीच पहुंचे और बातचीत की। रांची में जीएसपीएल के कॉरपोरेट ऑफिस में आजादी के उत्सव को मनाने के लिए गणमान्य लोगों के साथ बच्चों ने भी हिस्सा लिया। वाइस प्रेसिडेंट अरुण उराव ने झंडोत्तोलन के बाद जीएसपीएल के कर्मचारियों को संबोधित किया। जीएसपीएल की हमेशा से ये इतिहास रहा है कि चुनौतियों के सामना इन्होंने बहुत मजबूती से किया है और इसमें चेयरमैन साहब की बड़ी अग्रणी भूमिका रही है और इसमें बाबूजी का आशीर्वाद रहा है। झारखंड के रामगढ़ के पतरातू के जीएसपीएल प्लांट और ओपी जिंदल स्कूल में भी तिरंगा फहराया गया। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनमें जो छिपी हुई प्रतिभा और एनर्जी है उसको सामने लाना है। आप उनमें असीमित एनर्जी है, आप उसको इग्नाइट करना सीखें, उनको प्रेरित करें, उनको समझाएं, उनको रियलाइज करवाएं। सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बुल्गारिया के एम्बेसडर ने झंडा फहराया। उन्होंने 15 अगस्त के महत्व की चर्चा की और शिक्षा के क्षेत्र में जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नए नए आयाम स्थापित करने की भी कामना की। इस मौके पर भारतीय निर्वाचन आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर विजय देव भी मौजूद थे। Was a unique experience for me as an ambassador of Bulgaria to India. Moreover, that it coincided with an anniversary, the 17th anniversary of India's independence. देश भर में फैले बाकी दूसरे जीएसपीएल के प्लांट्स, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संस्थाओं में आजादी के पर्व को गौरव के साथ मनाया गया। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।